ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा, आज श्री साई सचित्र के अध्याय 15 का अध्ययन होगा। हे गुरुदेव, कृपा कर हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ये अध्याय सबके चित्त में उतरे और सभी को इस अध्याय से लाभ हो। आइए अध्याय 15, जिसमें कि दिया है नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चौलकर की शक्कर रहित चाय, दो छिपकलियां। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। आइए पढ़ते हैं नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो, इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को फिर कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं श्री चौलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण यानी बंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी ही घटना नीचे दी जा रही है। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साई बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चौलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थाई कर्मचारी थे, भी वहां उपस्थित थे। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चौलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा, शुभस्य शीघ्रम। श्री चौलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा
था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़ेघाट व सहस्त्रादि पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट यानी ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चौलकर अपना संकल्प शीघ्रतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मित व्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चौलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहाँ उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चौलकर का हृदय भर आया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विहल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे सात समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चौलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। अब आगे पढ़ते हैं दो छिपकलियों का मिलन। अब हम दो छोटी छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है, यह शुभ है या अशुभ। बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुम्बन में आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेमपूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहाँ पहुँचता है और बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा, जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभम भवतु। ओम साई राम।